भारत में खूबसूरत स्थान का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका भारतीय रेलवे के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में दौरे करना चाहिए। भारतीय रेल जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क देश के लगभग सभी स्थानों को कवर करता है। इस रेल नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा देश के माध्यम से गुजरता है जो मूल भारत को दिखाता है और इसके रहने वाले लोग कुछ सबसे यादगार ट्रेन की यात्रा पर नजर डालते हैं जो कि भारत में प्रकृति के विभिन्न पहलुओं का आनंद ले सकता है। तो दोस्तों आज हम भारत में 10 सबसे खूबसूरत रेल यात्रा के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए नंबर 10 कोरापुट टू रायगदा उड़ीसा। यदि किसी को आदिवासी उड़ीसा के रहस्यवादी जीवन का आनंद लेना और देखना है एक यात्री के रूप में ये ट्रेन यात्रा एक जरूरी है। ट्रेन की यात्रा में एक खूबसूरत सुंदरता है और कई उड़ीसा में रहने वाली जनजाति को ट्रेन की खिड़कियों से देख सकता है। यात्रा पहाड़ी के नीचे एक विस्मयकारी अनुभव है। मशहूर हरे जंगल और हॉर्सशू कार्व्स इस शानदार रेल यात्रा की मार्ग पर प्रकाश डाला गया है। नंबर 9 एर्नाकुलम कोल्लम त्रिवेंद्रम। यदि किसी को रेलवे में भगवान के देश में यात्रा करने का आजीवन अनुभव होना है तो एक यात्री को केरल के खूबसूरत स्थान में यात्रा करनी चाहिए। एर्नाकुलम से यात्रा शुरू करना चाहिए और तिरुवनंतपुरम तक जाना चाहिए। इसे हॉलिडे पैकेज कहा जा सकता है जिसमें बैकवाटर्स, प्राचीन झील, नारियल पानी के किनारे और केरल के ग्रामीण जीवन भी शामिल है। नंबर 8 माडगांव गोवा टू मुंबई। भारत के पश्चिमी मोर्चे पर रेलगाड़ी की यात्रा वेस्टर्न घाट और क्षेत्रों के रेन फॉरेस्ट के बारे में स्पष्ट रूप से दर्शाती है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में रेलवे का निर्माण करने वाले ब्रिटिश लोग इस क्षेत्र में रेलवे का निर्माण करने में सक्षम नहीं थे। अंत में भारतीय इंजीनियरों ने रेलवे लाइन का निर्माण किया जो कोंकण रेलवे के रूप में जाना जाता है। भारत में इंजीनियरिंग की उपलब्धि यही है। सह्याद्री पहाड़ में मुख्य रूप से जिस मार्ग में 92 सुरंग और करीब 2000 ब्रिज है जिसमें से पानभल नदी सबसे ऊंचा है। नंबर 7 डुअर्स वॉयज सिलीगुड़ी न्यूमाल हसीमारा अलीपुरद्वार। भारत में सबसे अच्छे रेल मार्गों में से एक ये निश्चित रूप से बड़ी संख्या में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जाना जाता है अर्थात महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चापरामारी फॉरेस्ट, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बॉक्सर टाइगर रिजर्व कई धाराओं के साथ चलता है। ट्रेन रूट हाल ही में ब्रॉडगेज लाइन में परिवर्तन हो गया है और इस प्रकार मिनिमम ट्रैफिक है लेकिन सभी प्रकार के वनस्पति और जीवों के लिए हर पल के लायक है जो वहाँ मिल सकता है। नंबर 6 गोवा एक्सप्रेस वास्को दा गामा टू लोंडा। गोवा एक्सप्रेस जो गोवा में वास्को दा गामा से कर्नाटक लोंडा में चलती है आपको संतुष्टि प्रदान करती है। आप अपने खिड़की से प्राचीन गोवा के गांव को देख सकते हैं। ये पश्चिमी घाट तक चलता है। इस रूट पर आप कई झरने देख सकते हैं जैसे कि दूध सागर फॉल्स। इस यात्रा पर जाने के सबसे अच्छा समय मानसून के बाद होता है जब आप मिट्टी के जीवंत लाल रंग का आनंद ले सकते हैं। नंबर 5 द सी ब्रिज राइड मंदापम पंबन रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में भारत की दक्षिणी सबसे बड़ी ट्रिप में रेल यात्रा भारत के मेनलैंड के साथ पंबन आइलैंड को जोड़ती है। ये भारत में दूसरा सबसे लंबा समुद्र का पुल है जो अपनी यात्रा के दौरान मन्नार की खाड़ी से पार करता है। रेलवे पुल मंदापम और पंबन जंक्शन के बीच है। पुल लगभग 2.3 किलोमीटर है। जब आप रामेश्वरम के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं तो आपको रामेश्वरम तक पहुँचने के लिए इस पुल को पार करना होगा। नंबर 4 दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जलपाईगुड़ी टू दार्जिलिंग एक और शानदार टॉय ट्रेन यात्रा वो है जो जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक चलता है। ये रूट आपको परिदृश्य ऊंचाई और जलवायु परिवर्तन की एक श्रृंखला पर ले जाता है। पहाड़ी स्टेशन दार्जिलिंग जो पूरे भारत में सर्वोत्तम चाय प्रदान करता है टी गार्डन्स घने जंगल के माध्यम से और यदि आप भाग्यशाली हैं और आसमान स्पष्ट है तो आप शानदार कंचनजंगा को देख सकते हैं। इस ट्रेन के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये मीटर गेज पर चलता है और 1999 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नंबर 3 हिमालयन क्वीन कालका टू शिमला। इस मार्ग पर चलने वाले गाड़ी टॉय ट्रेन की तरह लगती है
जो आपको भीतर के बच्चे को जगाने लगती है। 96 किलोमीटर लंबा यह मार्ग 1903 में शुरू हुआ था और ये 102 सुरंग और 82 पुलों से गुजरता है और 96 किलोमीटर के अंतराल में सबसे तेज ऊंचाई के लिए गिनीज बुक द्वारा विश्व रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। 5 घंटे के लिए आप इस खूबसूरत ट्रेन पर यात्रा करेंगे, आप प्राकृतिक सुंदरता से गुजरेंगे और आपको विस्मित कर देगा। पाइन के पेड़, ओक, वैलीज, देवदार और फॉरेस्ट शिमला पहुँचने तक आपको दिखाई देगा। ये रूट 2008 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये कालका से शिमला तक पहुंचने के लिए धीमी गति से चलता है। नंबर 2, द कश्मीर रेलवे, जम्मू टू उधमपुर। जम्मू और कश्मीर, जिसे पृथ्वी पर स्वर्ग कहा जाता है, रेलवे द्वारा सबसे सुंदर यात्रा अनुभवों में से एक प्रदान करता है। जम्मू से उधमपुर के पास 20 बड़े सुरंग है, साथ ही 198 ब्रिज के साथ सुंदर शिवालिक माउंटेन रेंज के आसपास हिमालय नदी और घाटी के लिए एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रदान करता है। नंबर 1, नीलगिरी माउंटेन रेल, मेट्टापलायम टू ऊटी। लगभग 5 घंटे में 46 किलोमीटर की दूरी कवर करती हुई नीलगिरी माउंटेन रेलवे मेट्टापलायम से ऊटी के टूरिस्ट को ले जाता है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक यात्रा है जो टूरिस्ट को 1000 फीट की ऊंचाई से 7000 फीट तक ले जाती है। इस रेल लाइन की विशेषता यह है कि ये एशिया में सबसे तेज है। इसके साथ सामना करने के लिए एक यूनिक सिस्टम ABT अर्थात अल्टरनेट बीटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिसे रैक और पिनियन सिस्टम भी कहा जाता है। मेट्टापलायम से ऊटी तक यात्रा सीनिक ब्यूटी मार्ग से भरा है। मेट्टापलायम से शुरू रेलगाड़ी पहले 5 मील की दूरी के लिए मैदानों से गुजरती है। इसके बाद अगले 12 मील में लाइन एक प्रभावशाली 4363 फीट तक बढ़ जाती है और 9 सुरंगों से गुजरती है। टूरिस्ट को नीलगिरी फॉरेस्ट के साथ उत्कृष्ट किया जाता है। यहाँ से टूरिस्ट अपने बाएं ओर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि इस तरफ अधिक सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। 10 कुन्नूर, वेलिंगटन, लावडेल होकर ऊटी पहुंचती है। इसमें 116 किलोमीटर की कुल दूरी और 250 पुल और 16 सुरंग शामिल है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।